ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਠਾ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ ਦਿਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗਾ ਤੇਰੇ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਠਾ ਵੱਜਦਾ ਓਏ ਨਖਰਾ ਦਿਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗਾ ਬਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾਦਿਨ ਬੱਚਾ ਨਹਾਤੇ ਨਹਾਤੇ ਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ये गहरा है या नहीं मुझे तो नहीं पता देख रेत है सारी मेरे पैर फिसल रहे हैं नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखें बच्चे शाम का टाइम है और यहाँ पर गर्मी है वैसे नहाने के लिए आए हुए हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं ये लोग बच्चे और बहुत ही अच्छा लग रहा है इन लोगों को चलो दिखाओ ये देखें अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे उम्मीद करती हूँ मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जगह लेकर आई हूँ देखेंगे आप खुद कहेंगे कि कितनी अच्छी जगह है ये शाम का नज़ारा है और बहुत ही अच्छा माहौल हो रहा है यहाँ का और बहुत ही अच्छा खुशगवार और अच्छा है आपको मैं अगले शॉट में दिखाऊंगी व्यूअर्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस तरफ मेरे पीछे दरिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर वैसे गर्मियों का मौसम है तो आपको पता होगा ठंडी जगह पर आना बहुत ही अच्छा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ ये छोटे छोटे बच्चे देखें नहा रहे हैं मेरा भी दिल कर रहा है मैं नहाऊं लेकिन देखें सामने ही आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रोड है मैं नहीं नहा सकती तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे अपना बचपन याद आ गया है आइए देखते हैं हम बच्ची पकड़ते हैं बल्कि बच्चों के साथ आओ देखिए मैं आज बच्चों से बात कुछ बात कर देती हूँ आपको अच्छा लगता है नहाना यहाँ पर हाँ हैं कहाँ रहते हो उधर अब्बू क्या करते हैं अब वो माल से है और आपको इसमें दरिया में डर नहीं लगता नहीं। सारा दिन नहाते हो हम जा रहे हैं आप ऐसे खुद पर खुद हो जाते हो हाँ। गिर ऐसे फिसल गए तो फिसल नहीं सकते हम यहाँ तर लेते हैं वही बड़ा हौसला है आप लोगों का मुझे तो इधर ही से डर लग रहा हो तुम लोग वहाँ आ जाते हो अरे बहुत ज्यादा अच्छा ये आपका ढोगी भी आपके साथ आया हुआ है बकरियों के साथ आया हुआ देखिए बकरियों के साथ कुत्ता भी आया हुआ है यहाँ पर बच्चे आपने मेहंदी लगा रखी है सर पे नहा तो लो बाबू देखिए नाड़ा भी गिर रहा है बच्चे का तो बेचारे का बच्चों से कहती हूँ मच्छी पकड़ते हैं हम दो ये देखिए आए मच्छी पकड़ते हैं हम बच्चे आए मिलकर हम मच्छी पकड़ते हैं पकड़ लोगे देखो कोशिश करके आओ चलो कोशिश करके आओ मच्छी पकड़ लोगे कहाँ पर जाएगी कोई कपड़ा दिखाते हैं वहाँ कपड़े से पकड़ लेंगे आप जी ठीक है कपड़ा दे दे कपड़े से मैं आपको पकड़ते हुए दिखाती हूँ पकड़ के आओ देखे छोटी छोटी बच्ची तो पकड़ के ले आए हैं बच्चे आप देखें ये देखें बेचारे पकड़ कर तो लाए हैं छोटी सी बहुत ही देख रहे अच्छी लग रही है बेचारी को छोड़ देते हैं पानी में कितनी देखे दो है बल्कि एक नहीं दो थी भागे छोड़ दो इसे छोड़ नीचे छोड़ दो देखिए बच्चों ने कोशिश तो बहुत अच्छी की है अब और बड़ी वाली पकड़ के लाओ बच्चों बड़ी वाली पकड़ सकते हो देखो कोशिश तो करो बड़ी वाली शायद आ रहे आपके हाथ में देखो बच्चे बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं मुझे भी मज़ा आ रहा मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख कर मुझे देखिए बहुत ही अजीब सा लग रहा है गीली भी हो गई हूँ अच्छा भी लग रहा है लेकिन अजीब सा लग रहा है देखे रेत है सारी और मेरे पैर फिसल रहे हैं मुझसे इतना कंट्रोल नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा फिसला ना यहाँ पर पता नहीं बच्चे कैसे ये कर लेते हैं दरअसल मैं पानी से वो थोड़ा सा डर लगता है मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है तो देख के मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है पहले तो ऐसा किया नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है पहली दफ़ा किया तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पैर खराब हो चुके हैं मेरे कपड़े भी गीले हैं थोड़े तो ये तो था एक हिस्सा दरिया का और मैं आपको नेक्स्ट तरफ दे लेके चलती हूँ वहाँ पर भी दरिया का दूसरा हिस्सा है वहाँ पर देखते हैं मैं भी अभी पहले आती थे छोटे थे लेकिन अब मैं काफ़ी सालों के बाद आई हूँ तो मैं भी देखना चाहती हूँ मैं भी खुश हूँ आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज तो मेरे मुँह से भी लफ्ज़ ही लफ्ज़ निकल रहे हैं क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर हवा भी बहुत अच्छी ठंडी ठंडी चल रही है दरिया के दूसरे किनारे पे मैं आ ही गई हूँ देख रहे हैं आप नीचे देखें यहाँ पर शायद पानी था पहले मेरे पैरों पर भी चुभ रहा है नाज़रीन मेरी चप्पल भी वहीं पर रह गई है मैं आपको दिखाने के चक्कर में देखें मेरे पैर भी नंगे हैं दर्द हो रहा है मेरे पैरों को और देखें इस तरह से बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी है मुझे डर लग रहा है और बहुत से अफराद कह रहे हैं कि आगे मत जाएँ तो ये मुझे लगता है नीचे से कहते हैं दरिया वो कुछ घात सी लगाता है तो मैं नहीं जा सकती आगे मैं आपको दिखाऊंगी ये दूसरा हिस्सा है दरिया का आगे मैं जाऊं या ना जाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन मैं थोड़ी सी तो आगे जा ही सकती हूँ ये देखे गीली है बहुत ज़्यादा
तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं नहीं जा सकती। इस तरफ देखें मर्द हजरात भी बैठे हुए हैं और पानी भी बह रहा है, तो मैं आगे नहीं जा सकती। आपको ये दिखा सकती हूँ दूर से कि ये दरिया का दूसरा किनारा है, हिस्सा है बल्कि। आइए। अच्छा तो नाज़रीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखें पैरों के निशान पहले बने हुए हैं, गीली मिट्टी है, मैं भी लगा देखती हूँ मेरे भी बनते हैं या नहीं। ये देखें मेरे भी पैरों के निशान बन गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन में हम रेत पर ऐसे ही पैर बनाया करते थे, लेकिन आज मिट्टी पे भी बना देते हैं। ये देखें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मिट्टी पर पैर बनाते हुए, अपना बचपन याद आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। गीली है बहुत ज़्यादा और मुझे डर भी लग रहा है, मैं जाने लगी हूँ यहाँ से, क्योंकि ये देखें बहुत ज़्यादा जस्ते जा रहे हैं मेरे पैर। और ऊपर देखें शाम भी हो गई है, आज मौसम बहुत अच्छा था, मेरा दिल भी नहीं कर रहा जाने को, लेकिन जाना तो पड़ेगा घर में, क्योंकि घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। व्यूअर्स आप मेरा चैनल को प्लीज़ देखा करें, लाइक क्या करें, शेयर क्या करें, मुझे आपके कमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं आज नहीं हूँ। तो बाय बाय, प्लीज़ 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 मेरा व्लॉग देखा करें प्लीज़।